हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज दिन है, आज 17 तारीख है और बुधवार है। तो नहा गई हूँ, सारा काम हो गया है मॉर्निंग का, टोटल काम। हाँ, सिर्फ एक काम बचा है, कपड़े धुलना, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है तो बच्चों की ड्रेस धुलनी है ना। तो इसलिए सोचा कि जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तभी धुलूंगी कपड़े। बेडशीट भी मैंने चेंज की नहीं थी ना वहाँ से आके, तो बेडशीट भी चेंज की है, अभी बिछाई भी नहीं है, बाद में बिछाऊंगी। और काम मेरे पे बहुत सारा है, ये सोफे के कवर वगैरह भी सब निकाल दिए, धुलने ही है। काम तो बहुत सारा है मुझे ना, बेड भी सही करना, क्योंकि कपड़े उधर जा रखे हैं और बर्तन इधर आ रखे हैं। इस बेड में ना मतलब उल्टा हो गया, तो ये बेड भी मुझे खाली करना है, सही करना है, इधर का उधर सामान करना है। ये अलमीरा सही करनी है, ये अलमीरा भी मुझे सही करनी। और कपड़े सिलने के लिए हैं मेरे, एक सूट आधा सिला हुआ है और आधा ऐसे आधा बचा हुआ है। कुर्ती है, दूसरी कुर्ती है, सूट है, तो पर कुछ कर ही नहीं पा रही। पता नहीं क्या मेरे बॉडी में ना मतलब अजीब सा, मुझसे ना मतलब हो नहीं रहा काम, ये समझो आप। और पता नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। सिर्फ ये कि जो रूटीन का, डेली रूटीन का काम है यही कर पा रही हूँ, एक्स्ट्रा काम है कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और मम्मी ने ऊन भी दी थी, ये ऊन भी दी थी भतीजी के लिए, स्वेटर बनाने के लिए छोटी वाली के लिए, बट ये भी नहीं कर पा रही हूँ मैं कुछ भी। मतलब मेरे से एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है, शरीर में ना ताकत सी नहीं है। मेरे पाँव ना अजीब से होते हैं, अब जैसे शाम होते होते ना बहुत अजीब से हो जाते हैं पाँव। मतलब मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, अभी कोई नहीं है तो कर रही हूँ, फिर शाम होते 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 हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। पंखे से हो रहा है कि मौसम ठंडा है, ठंडे से जाम हो रहे हैं हाथ पाँव, पता नहीं किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर सोचो आज तो सूट सिल के ही रहूँगी, थोड़ा सा बचा है सिर्फ, पता है पोंछे बनाने हैं सिर्फ उसके, मतलब सलवार के सिर्फ पोंछे बनाने, और कुर्ते में वो तुलपन करनी है। मुश्किल से 1 घंटे का भी काम नहीं होगा, बट वही है ना, लेट पे लेट हो जा रहा है, इसलिए व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ मैं आजकल, मन ही नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी करने का। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देती हूँ, स्टार्ट हो जाए तो आगे कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करती रहूँगी। और थोड़ा मैंने बताया था ना, चैनल में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद उस वजह से भी माइंड थोड़ा अपसेट है, क्योंकि इतनी मेहनत करो, बड़ी मुश्किल से मोनेटाइज करो, फिर बहुत दिक्कत है। चलो अब हनु का भी टाइम होने वाला है, 10:30, 11 बज गए होंगे अभी तक, तो चलो कपड़े तो आज बाद में ही धुलने हैं। 1:30 बजे आरभ आएगा, 2 बजे कपड़े धुले जाएंगे, क्योंकि कल फिर बृहस्पतिवार है। चलो मिलती हूँ आपको बाद में। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल से और कपड़े धुलने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनकी ड्रेस भी धुल दूँगी, और बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। हन्नू को तो पहले ही दे देती हूँ आरव को लेने जाने से पहले, क्योंकि वो बोलता है मम्मा भूख लग गई, भूख लग गई। पता नहीं जब उसका भी टाइम चेंज होगा, मतलब आरव के साथ आएगा तो कैसे रहेगा। तो उसको मैंने दे दिया था खाना, और फिर आरव आया, फिर आरव को भी हाथ मुँह धुला के उससे भी खाना दे दिया था। और मैंने कहा चलो अब अपना काम करते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद कपड़े भी धुल गए, और जबकि काफ़ी टाइम लगा। बट यही एक व्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्या करना था व्लॉग बना के, मतलब यही था कि मैं अंदर बैठी थी, बच्चों के बर्तन वगैरह धुले, टिफ़िन धुले, और बस फ़ोन वगैरह चेक करती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि इसी टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। तो बस कपड़े भी धुल गए थे, 2 बार के कपड़े थे, जैसा होते ही है, पहले लाइट कलर के फिर डार्क कलर के, जैसे इनकी पैंट ना लाइट कलर की है तो वो पहले धुलनी पड़ती है। तो बस ये कपड़े धुल गए हैं यहाँ पे, तो कपड़े डाल दूँगी, और स्टैंड भी है, स्टैंड दीदी का है, बट दीदी ने कपड़े डाले थे तो सूख गए हैं, तो दीदी को पता है कि कपड़े धुल रही है, तो स्टैंड मतलब उन्होंने फोल्ड नहीं किया रखा है। तो कुछ कपड़े स्टैंड में डाल लूँगी, कुछ कपड़े तार में डाल लूँगी। और जैसे थाई सोफ़े कवर वगैरह सब धुले थे आज, बेडशीट भी धुली थी, और कल है जन्माष्टमी, परसों है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सरकारी छुट्टी तो कल है, मतलब हस्बैंड की तो कल है, बट स्कूल से अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, जब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इनकी छुट्टी तो कल है, बच्चों की परसों है, तो नहीं जा पाएंगे हम, जैसे हम सोच रहे थे कि देहरादून जाएंगे हम जन्माष्टमी की छुट्टी में, तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब छुट्टी ही नहीं है, मतलब है एक दिन एक की है, कल बच्चों का वो भी है, वो मतलब सेलेक्ट होना है, और हन्नू बोल रहा है मुझे डांस करना है, डांस करना है, पहाड़ी गाने में डांस करना है, और मतलब कहाँ एकदम से प्रैक्टिस होती है। अभी कल ही वो आया था, तो 2 दिन में क्या प्रैक्टिस, मतलब एक दिन समझ लो, एक दिन रात को तो मैसेज आया, फिर आज का दिन है और कल इनका वो है। पर पेन ड्राइव तो मैंने मंगा ली है,
है मेरे पास, बट वो ये कि वो भरी हुई है, तो उसमें गाना निकाल के दे दूंगी। इसके पास कर पाएगा तो कर पाएगा, डांस नहीं कर पाएगा तो घर आ जाएगा, और क्या कर सकते हैं। 24 तारीख को कोई फंक्शन है इनके यहाँ, तो उसके लिए सिलेक्शन होना है। तो बच्चे भी खाना खा रहे हैं, और मैंने कहा चलो कपड़े डाल के, बस यही है, अगर सुबह आराम मिल गया तो फिर बाद में काम करना पड़ता है। और कल गुरुवार है, तो इस वजह से मैं, मतलब ये कि कपड़े मैंने धुल लिए थे, नहीं तो मैं अगले दिन भी धुल सकती थी। और तो बस यही सब है। और हाँ, एक बात और शेयर करना चाहती थी मैं आप लोगों के साथ। जैसे ये मुहिम निकली है कि घर घर झंडा, चलो घर भी ठीक है, घर में झंडा लगा दिया किसी ने, अच्छा, लेकिन बाइक में, ऑटो में, मतलब कहाँ नहीं, साइकिल में, थैली में, सब जगह झंडा लगा है। झंडा चलो अच्छी बात है, झंडा लग रहा है, बट उस झंडे की कदर तो करें लोग। मतलब इतना दिमाग ख़राब होता है ना देख के, बहुत ज़्यादा। मुझे तो मतलब, मैं सच्ची देशभक्त हूँ जैसे कहते हैं ना, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, झंडा पाँव के नीचे आ रहा है। और झंडा कैसे देखते थे हम, झंडा की ऊंचा होना चाहिए ताकि हम गर्व से देख सके, सर उठा के देख सके अपने देश के मान को, लेकिन वही झंडा हमारे सामने, क्या हमारे मतलब सर झुका के हमें देखना पड़ रहा है, सोचो आप। तो ये कोई बात हुई मेरी, तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो घर में लगा दे, घर में भी चलो ये कि छत पे लगा रहे तो चलो ऊंचा है ना, लेकिन तुम अपने सामने झंडे को देख रहे हो, अपने से गर्दन झुका के झंडे को देख रहे हो। लोगों ने गाड़ी कार में झंडे लगाए हैं, वो लहराते जा रहे हैं नीचे ज़मीन पर, तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का वो है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बुरा लगता है मुझे ये सब देख के, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और किसी ने साइकिल में टांगे हैं, और जबकि कहते हैं कि झुका हुआ जो झंडा होता है वो शोक का प्रतीक होता है ना, लेकिन कुछ भी नहीं, शोक अशोक सब बदल गया, अशोक चक्र भी बदल गया, शोक भी बदल गया, समझ भी नहीं आ रहा। तो बस यहाँ पे मशीन वगैरह पैक कर दिए मैंने पहुँच के, इसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में। और हन्नू के देखो, ये पहले आता है, सारी बुक्स वगैरह बिखेर देगा, तो वो बुक्स हटा दिए मैंने, सुबह से बेडशीट भी नहीं बिछाई थी। तो मैंने कहा ना आजकल मेरा काम करने का मन ऐसे हो ही रहा, पता नहीं क्या, शरीर साथ नहीं दे रहा है। और बच्चों की चल रही है टीवी, जैसे आप देख रहे होंगे अलमारी में दिख रही है, तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा लूँगी, और कवर वगैरह मैंने लगा दिए थे। तो और ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है ना ऐसे देख के, मतलब बहुत प्यारी लगती है। तो बस बच्चों ने खाना खाया था, तो मैंने कहा यहाँ पे झाड़ू भी लगा लेती हूँ, और तो यहाँ पे झाड़ू लगा लिया। और हन्नू देख रहे होंगे आप कि हन्नू ने बस बैठ गया है, मतलब वहाँ पे वो अभी मैंने बेडशीट बिछाई और बैठ गया है, बेडशीट भी ख़राब कर। बच्चे बस ये बच्चों के साथ तो सही करते रहो, ख़राब होता है। चलो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।